हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आप देख रहे हैं मैथ्स बाय अवनी सर। फ्रेंड्स, इंग्लिश पैडागोजी का चैप्टर नंबर 6 पार्ट नंबर 4, चैप्टर का नाम है लैंग्वेज स्किल्स, यानी भाषा कौशल से जुड़े सी टेट, यू पी टेट, अन्य स्टेट टेट में जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2013 से लेकर 2017 तक के क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद दो पार्ट और होंगे छोटे छोटे, और इससे आपका पूरा लैंग्वेज स्किल का जो चैप्टर है, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, तो वो कंप्लीट अच्छी तरह से हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। Assessing reading at class 7 can be done most effectively through a writing a 50-word book / text review as a small project, spoken quiz based on the meanings of words and expressions, written test based the characters and events in the story / text, and oral interview to find out how much they have to read. ठीक है, तो क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। Assessing reading, यानी अगर कोई बच्चा रीडिंग कर रहा है क्लास 7th का है, और आप assess करना चाहते हो कि वो किस लेवल पर रीडिंग कर रहा है, क्या मतलब क्वालिटी है उसकी। कैन बी डन मोस्ट इफेक्टिवली थ्रू, तो अगर आप जांचना चाहते हो कि उसकी रीडिंग स्किल्स कैसी है एक 7th क्लास के बच्चे की, तो आप क्या काम से उसको जांचोगे। तो जो पहला ऑप्शन है वही करेक्ट आंसर है, राइटिंग ए 50-word बुक / टेक्स्ट, यानी 50 वर्ड का लगभग आप एक टेक्स्ट या एक पैराग्राफ दोगे, ठीक है, रिव्यू एज ए स्मॉल प्रोजेक्ट, एक छोटा सा प्रोजेक्ट आप उसको दोगे और उससे कहोगे कि भाई आप लिख के दिखाइए, ठीक है, क्योंकि इंसान जब लिख पाएगा किसी चीज़ को, इसका मतलब यह है उसने पढ़ा होगा, अच्छे से पढ़ा है और उसके बाद उसने वो लिखा होगा। तो रीडिंग स्किल्स को अगर टेस्ट करना है तो रीडिंग करने के बाद आप एक राइटिंग के लिए उसको एक स्मॉल पैराग्राफ दे दीजिए 50 वर्ड्स का, तो वो सही तरीके से बता पाएगा कि उसकी रीडिंग स्किल्स कैसी थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका है करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन एक्सरसाइज वेयर वर्ड्स आर लेफ्ट आउट ऑफ अ शॉर्टर पैसेज and the pupil must fill in the blanks with suitable words based on her reading assesses her ability to, यानी एक पैराग्राफ में कुछ वर्ड्स जो है सेंटेंस के अंदर वर्ड्स छोड़ दिए गए हैं और आपको वो फिल इन द ब्लैंक्स भरवाने हैं बच्चों से, तो ये किस तरह की स्किल्स को टेस्ट करने का काम है। तो ये कॉम्प्रिहेंजन जो स्किल्स होती हैं उनको चेक करने के लिए बीच बीच में स्पेस दे दिया जाता है जिससे कि बच्चे इसमें फिल इन द ब्लैंक्स कर पाएँ। तो ये ऑप्शन नंबर 1 है करेक्ट आंसर, फरवरी 2014 में पूछा गया था। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्रिएटिंग और रिट्राइविंग व्हाट द स्टूडेंट वांट्स टू से देन जनरेटिंग अ सुटेबल टेक्स्ट टू से इट आर स्टेजेस ऑफ द --- प्रोसेस। तो इस क्वेश्चन के जो क्वेश्चन के अंदर ही साफ साफ दिखाया कि ये जो क्रिएट करने वाली बात है, ठीक है, क्रिएटिंग, तो टेक्स्ट को क्रिएट करने का मतलब हम राइटिंग स्किल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज ऑफ ग्रामर पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग पर्टेन्स टू, यानी आप ग्रामर का यूज कर रहे हो, पंक्चुएशन का, एंड स्पेलिंग पर्टेन्स टू टेक्स्ट प्रोडक्शन वाइल राइटिंग, फॉर्मल स्पीच, लिसनिंग टू अ लेक्चर, इनफॉर्मल कन्वर्जन। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं अगर ग्रामर की यूज हो रही है, ठीक है, और पंक्चुएशन भी इस्तेमाल हो रहा है, स्पेलिंग भी करेक्ट लिखी जा रही है, तो ये हो रहा है टेक्स्ट प्रोडक्शन, टेक्स्ट को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, लिख रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं वाइल राइटिंग। ठीक है, तो ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं, a text that requires students to scan in order to understand and analyze the writer's message and purpose could be option 1 encyclopedic extract and newspaper headlines, a set of instruction to assemble a device, a poem। वो कह रहा है कि भाई एक टेक्स्ट लिखा गया दैट रिक्वायर्स स्टूडेंट टू स्कैन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, यानी एक टेक्स्ट है, ठीक है, स्टूडेंट्स जो उसको स्कैन कर रहा है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए, यानी किसी लाइन को वो समझ रहा है और इस तरीके से समझ रहा है जिससे वो एनालाइज भी कर पाए, एंड एनालाइज द राइटर्स मैसेज की राइटर ने उस पंक्ति में क्या कहा है एंड उसका पर्पस क्या है। तो इस तरह की जो हम अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं वो हम पोएम्स में बनाते हैं कि भाई पोएटिक जो लाइंस होती हैं उनमें हम ये समझते हैं कि किस तरीके से बात की गई है, उसके पीछे अर्थ क्या है। तो ये एनालाइजिंग, ठीक है, एनालाइजिंग जो पावर होती है तो ये इस्तेमाल होती है पोएम के लिए जिसमें, ठीक है, घुमा फिरा के, ठीक है, बड़ा चढ़ा के बात की जाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है, पोएम के लिए हम, ठीक है, स्कैन करते हैं, एनालाइज करते हैं मैसेज को। वाइल क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वाइल ड्राफ्टिंग अ नोटिस स्टूडेंट में, नेक्स्ट पेज पे जाएंगे 56 हमारा, वाइल ड्राफ्टिंग अ नोटिस स्टूडेंट्स मे बी इंस्ट्रक्टेड टू यूज --- लैंग्वेज, कि जब हम कोई नोटिस ड्राफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो स्टूडेंट्स को किस तरह की लैंग्वेज यूज करनी चाहिए, यानी डायरेक्ट स्पीच में लिखना चाहिए या इनडायरेक्ट में, तो नोटिस के लिए डायरेक्ट स्पीच इस्तेमाल होती है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू डेवलप अ रिसोर्स बॉक्स फॉर क्लास 1 टीचर गिव्स 3 इंस्ट्रक्शंस टू ईच स्टूडेंट रिगार्डिंग द आइटम्स व्हिच आर टू बी पुट इन
दैट इज पपेट्स पीसेस ऑफ कलर्ड फैब्रिक ब्रशेस स्टेंसिल्स कलर्स पेंसिल्स स्मॉल टॉयज इट्स। मतलब यह है कि एक टीचर ने क्लास वन के बच्चे को, ठीक है, एक बात ये बताइए कि आपके लिए रिसोर्स बॉक्स तैयार करना है। रिसोर्स बॉक्स का मतलब होता है कि बहुउपयोगी एक ऐसा डिब्बा जिससे बच्चे बहुत सारे क्रिएटिव काम कर सके, और उसके लिए जो है तीन इंस्ट्रक्शंस देती है टीचर, ठीक है, और उसमें क्या क्या रखा जाएगा वो ये इस तरह से यहाँ बताया गया है। तो अब आगे है स्टूडेंट्स फॉलो इंस्ट्रक्शन, और स्टूडेंट्स इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं जैसे कि उसने दिया है थ्री इंस्ट्रक्शन, है ना। द एक्टिविटीज़, ये इस तरह की एक्टिविटी क्या कहलाएगी कि इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना टीचर द्वारा, ठीक है। तो टीचर और स्टूडेंट का जो नॉर्मल बिहेवियर ये होता है कि, ठीक है, गिव एंड टेक, यानी टीचर बताता है, ठीक है, और बच्चे सुनते हैं, फिर टीचर पूछता है, बच्चे सुनाते हैं। तो एक नॉर्मल जो है नॉर्मल बिहेवियर है टीचर के बीच में और स्टूडेंट के बीच में, नॉर्मल कन्वर्सेशन है, तो इसे हम नेचुरल कन्वर्सेशन भी कहते हैं, ठीक है। अब उसमें हो सकता है कि इंस्ट्रक्शन दे टीचर, ठीक है, या कोई क्वेश्चन पूछे, तो ये एक अलग बात है। लेकिन मोटे तौर पर हम बात करें तो लिसनिंग टू नेचुरल कन्वर्सेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट कि ये बारे में बात हो रही है, उसमें इंस्ट्रक्शंस भी हो सकते हैं, उसमें ऑर्डर भी हो सकता है किस चीज़ के लिए ऑर्डर करे, सजेशन भी हो सकते हैं। तो ये फाइनल आंसर जो मतलब एक नेचुरल आंसर होगा या यूनिवर्सल आंसर जो होगा वो ये होगा ऑप्शन नंबर थ्री, क्योंकि लिसनिंग विद कॉन्सेंट्रेशन फॉर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नीडेड फॉर ए टास्क। तो ऑप्शन ये भी सही लग रहा है कि बच्चे जो है कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुन रहे हैं क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो है वो स्पेसिफिक है और ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये जो है ये इसी के अंदर आ गया है कि भाई यूनिवर्सल बात ये है कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में कन्वर्सेशन होते हैं और उनका ये एक पार्ट है। तो जनरलाइज वे में अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर थ्री इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 है हमारा। व्हेन दे एनकाउंटर अनफेमिलियर वर्ड्स ड्यूरिंग अ रीडिंग एक्टिविटी, यानी बच्चे जब अनजाने वर्ड्स का सामना करते हैं जब वो रीडिंग कर रहे हो, स्टूडेंट्स शुड बी ट्रेंड टू, स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देनी चाहिए किस बात के लिए, टू वाइल प्रोसेसिंग द मीनिंग ऑफ द होल टेक्स्ट, जब वो पूरे टेक्स्ट का मीनिंग अब समझ रहे हो तो किस बात के लिए ट्रेनिंग देनी चाहिए, यूज इंफॉर्मेशन इन कॉन्टेक्स्ट टू करेक्टली गैस इट्स रफ एरिया ऑफ मीनिंग। तो इसमें बात आ रही है कि अगर कोई अनफेमिलियर वर्ड्स आते हैं तो उसका आप अनुमान लगा लो उस कहानी के हिसाब से, इस तरह की प्रैक्टिस करानी चाहिए। चूज मोर सिंपल टेक्स्ट, यानी और सिंपल टेक्स्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, कठिन चीज़ों का इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए, तो बिल्कुल ही गलत है। ऑप्शन नंबर थ्री है रेफर टू अ डिक्शनरी टू फाइंड आउट द मीनिंग इमीडिएटली। तो व्हेन दे एनकाउंटर अनफेमिलियर वर्ड्स, तो अगर आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रॉन्ग करनी है, प्रोनंसिएशन सॉरी स्पेलिंग्स आपको ज़्यादा याद करनी है, वोकेबलरी अपनी बढ़ानी है, तो जब भी रीडिंग है रीडिंग एक्टिविटी चल रही हो तो हम बच्चे से कहेंगे कि भाई आप अपने पास हमेशा एक छोटी सी डिक्शनरी रखिए, एक डिक्शनरी रखिए, और जब भी आपको अनफेमिलियर वर्ड्स मिले उन्हें अंडरलाइन कर लीजिए, उनका मीनिंग देख लीजिए, जिससे कि आपकी वोकेबलरी धीरे धीरे करके इस तरह से बहुत बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थ्री इसका करेक्ट आंसर है। हर जगह आप कई जगह आंसर इस तरह का दिया होता है कि भाई विद इन द कॉन्टेक्स्ट आप समझिए कि किसी वर्ड का मीनिंग क्या है, ठीक है, किसी वर्ड का मीनिंग किसी कॉन्टेक्स्ट में अलग हो सकता है किसी, तो ये एक जनरल बात हुई, ठीक है, ये एडवांस लेवल पे बात है। लेकिन सबसे पहले हम जो बात करेंगे, अगर रीडिंग एक्टिविटी कर रहे हैं तो हम डिक्शनरी का इस्तेमाल करना सिखाएंगे जिससे कि बच्चे की वोकेबलरी एनहेंस हो जाए। तो एक बार सफिशियंट नंबर ऑफ वोकेबलरीज की हो जाए तो उसके बाद बहुत सारे वर्ड्स का जो मीनिंग है वो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हम, ठीक है, संदर्भ के हिसाब से चेक कर लेते हैं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द टीचर एंड स्टूडेंट डिस्कस अ टॉपिक एंड द फॉर्मर स्टार्ट्स द कन्वर्सेशन बाय आस्किंग ए क्वेश्चन। टीचर और स्टूडेंट्स आपस में किसी टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, टीचर क्वेश्चन पूछना शुरू कर सकता है, ठीक है, देन द स्टूडेंट रेस्पॉन्ड बाय गिविंग एग्जाम्पल एंड एक्सप्लेनेशन, और उसके बाद जो है स्टूडेंट जो है अपने उत्तर देते हैं और एक्सप्लेनेशन के साथ और विद इन एग्जाम्पल के साथ उदाहरण देके। द स्पीकिंग असेसमेंट हियर इज टू ग्रेड हाउ वेल स्टूडेंट्स, तो इस तरह का जो असेसमेंट चल रहा है, ठीक, टीचर ने कुछ बात बताई और फिर बच्चों ने समझ के एग्जाम्पल्स के द्वारा रेस्पॉन्ड करा, तो ये किस तरह का स्पीकिंग असेसमेंट होगा, हियर इज टू ग्रेड हाउ वेल स्टूडेंट्स, तो इससे किस बात के बारे में पता चलेगा कि बच्चे स्पीक फ्लुएंटली एंड क्रिएटिवली, कि बच्चे कितनी फ्लुएंटली और क्रिएटिवली बोलते हैं, या इस बात का प्रोसेस इन्फॉर्मेशन एंड रिस्पॉन्ड एप्रोप्रिएटली, कि वो जो इन्फॉर्मेशन दी गई उसको दिमाग में प्रोसेस कर लेते हैं जल्दी से, समझते हैं, ठीक है, और उसके बाद समझने के बाद उत्तर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर टू इसका करेक्ट आंसर होगा कि ये जो एक्टिविटी है ये एनहेंस कर रही है, बढ़ा रही है इन्फॉर्मेशन कलेक्टिंग पावर, कितनी जल्दी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती है उसे प्रोसेस करते हैं, यानी उससे हम बातें निकालते हैं, समझते हैं और उसके बाद उत्तर देते हैं समझने के बाद। तो ये प्रैक्टिस चल रही है यहाँ पे, ठीक है, स्पीकिंग असेसमेंट इस तरह का। ऑप्शन टू करेक्ट आंसर है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द सब स्किल्स दैट इज असेस्ड फॉर स्पीकिंग,
यानी एक सब स्किल आपको बतानी है जो एसेस की जानी चाहिए स्पीकिंग के दौरान, ठीक है, कौन सी ऐसी एक कौशल है। तो जब हम बोलते हैं स्पीकिंग स्किल्स के अंदर सिर्फ आपकी वोकेबलरी, प्रोनंसिएशन, ठीक है, ये सब नहीं होता है, आपकी वॉइस कैसी है, कितनी तेज आवाज़ में किस वर्ड का को आप बोल रहे हो, कितनी क्लैरिटी है वर्ड में, ठीक है, और किन गेस्चर्स का आप इस्तेमाल करो, जैसे हाथ हिलाते हैं हाथ, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी स्पीकिंग के अंदर बहुत मायने रखती हैं और ये सब स्किल्स हैं, यानी कंप्लीट स्किल्स तो नहीं है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट छोटे छोटे हिस्से हैं स्किल्स के। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, यूजिंग एप्रोप्रिएट वॉल्यूम, सही वॉल्यूम, क्लैरिटी होनी चाहिए और गेस्चर्स जो है होने चाहिए अकॉर्डिंग टू द कन्वर्सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ कैन टीचर्स रिस्पॉन्ड टू और करेक्ट स्टूडेंट्स राइटिंग इन वेज दैट आर इफेक्टिव। तो हाउ कैन टीचर्स रिस्पॉन्ड, तो टीचर को किस तरह से रिस्पॉन्ड करना चाहिए करेक्ट स्टूडेंट्स को करेक्ट करने के लिए जब वो राइटिंग एक्टिविटी कर रहे हो, ठीक है, इफेक्टिवली। तो ऑप्शन नंबर 1 है करेक्टिंग एवरी एरर इन द एसे, कि हर लिखी हुई चीज जहाँ पे गलती है वहाँ उसका एरर फाइंड आउट करना। तो ये हर जगह नहीं आप ये काम करने लग जाओगे कि छोटी छोटी चीज़ों को भी आप, ठीक है। तो अगर बात हो रही है राइटिंग डिटेल्ड कमेंट्स इन द मार्जिन, और या फिर आप अपनी जिम्मेदारी खत्म कर ले भाई, मार्जिन में साइड में जाके आप कमेंट लिख दें कि ये ऐसा करो, ठीक है। स्टूडेंट्स को करेक्ट करने का क्या बेहतर तरीका है जब वो गलतियाँ कर रहे हो लिखते समय। तो तीसरा ऑप्शन देखते हैं, ऑफरिंग एनकरेजिंग एंड समरी रिमार्क्स, आप बच्चे को एनकरेज करोगे और समरी लिख दोगे, ठीक है, रिमार्क्स की, ठीक है, यानी वो लिख दोगे कि राइटिंग साफ करो, बड़े बड़े अक्षर लिखो, इस तरीके से इफेक्टिव जो है करेक्शन होगा स्टूडेंट्स का राइटिंग स्किल्स का। तो लास्ट ऑप्शन जो है वो हमें तीन ऑप्शन ज़्यादा बेहतर हमें इम्प्रेस नहीं कर पाए। फोर्थ है लोकेटिंग पैटर्न्स ऑफ एरर एंड सजेस्टिंग इम्प्रूवमेंट, यानी ऐसे पैटर्न हमें ढूंढने हैं जहाँ पर हर बार बच्चा गलती कर रहा है, जिन चीज़ों में हर बार बच्चा गलती कर रहा है उनको हमें ढूंढना है और उनमें हमें इम्प्रूवमेंट बताना है कि भाई इस तरीके से आप इस चीज़ को इम्प्रूव करोगे। तो ये ऑप्शन बेस्ट है, हमें बेस्ट चूज़ करना होता है। सही तो बहुत सारे लगेंगे लेकिन उनमें से बेस्ट कौन सा है जो सबको समाहित किए हुए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 62, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th हैज जस्ट रेड अ टेक्स्ट अबाउट द वाटर प्रॉब्लम्स ऑफ ए कम्युनिटी लिविंग ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ ए सिटी, यानी एक पाँचवीं क्लास का बच्चा है, उसने एक टेक्स्ट, एक पैराग्राफ पढ़ा और वो पैराग्राफ था पानी की समस्या के बारे में एक कम्युनिटी में, वो कम्युनिटी शहर के बाहरी हिस्सों में रहती है। आफ्टर रीडिंग द चैप्टर द स्टूडेंट रिमार्क्स हाउ डिफिकल्ट इट मस्ट बी टू स्ट्रगल फॉर वाटर एवरी डे, और ये पढ़ने के बाद बच्चे रिमार्क करते हैं, यानी कहते हैं कि भाई इस चीज़ को पढ़ के तो समझ में आया कि कितनी मुश्किल ज़िंदगी होती है, जो पानी जहाँ पर जिन एरियाज़ में कम होता है, दिन प्रतिदिन के काम कैसे होते होंगे, उन्हें इस बात की चिंता होती है, वो समझते हैं। तो विच कॉम्प्रिहेंजन स्ट्रेटजी डज दिस रिमार्क रिवील, तो ये कौन सी कॉम्प्रिहेंजन स्ट्रेटजी है जो ये एक्टिविटी जो है रिवील करती है, बताती है कि भाई इस बच्चे के अंदर इसने जो समझ इसने विकसित की, इसने जो समझा, ये किस तरह की स्ट्रेटजी के तहत इस चीज़ को समझाया गया उस बच्चे को, ठीक है। तो रीड अलाउड, समराइजिंग, मेटाकॉग्निशन और इन्फ्रेंशियल रीडिंग। तो ये कहलाती है इन्फ्रेंशियल रीडिंग, जिसमें बच्चा किसी टेक्स्ट को, किसी पैराग्राफ को, किसी आर्टिकल को पढ़ता है, समझता है और उसके बारे में चिंता करता है। तो चिंता करने का मतलब यहाँ अनुमान लगा रहा है ना, जैसे बच्चा की कि भाई कितनी मुश्किल ज़िंदगी होगी उनकी जिनको पानी की इतनी समस्या होती है, तो वो अनुमान लगा रहा है। तो इन्फेर मने होता है अनुमान लगाना, इन्फ्रेंशियल रीडिंग, तो यानी उसने रीडिंग से अनुमान लगाया, ठीक है, समझा उसको। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है, सीटेट फरवरी 2015 में पूछा गया है। कई बार ये क्वेश्चन फ्रेंड्स अलग स्टेट में, स्टेट हो, यूपी में होने वाले टेट हो, उनमें एज इट इज़ क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं या बिल्कुल उससे जुड़े ऑप्शंस रख दिए जाते हैं। तो अब बड़े ध्यान से देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का जब ऑप्शन दबाएंगे तो ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो आपको मेरी पसंद आ रही है, आपको लगातार हमारे चैनल पे सीटेट से जुड़ी, इंग्लिश पेडागोजी से जुड़ी वीडियोस लगातार मिलती रहेंगी जिससे कि आपकी इंग्लिश में अच्छे मार्क्स आ पाएँ। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी इज़ फ्रॉम दिल्ली, रानी जो है दिल्ली से है, सी हैज़ टेकन एडमिशन इन अ स्कूल इन असम, ठीक है। तो वो दिल्ली से है लेकिन उसने जो एडमिशन लिया वो एक असम के स्कूल में लिया है। इन द फाइनल एग्जाम शी फेसेस डिफिकल्टी इन राइटिंग ए कॉम्पोजिशन ऑन बिहू, और एक कॉम्पोजिशन लिखनी थी, ठीक है, और वो बिहू के बारे में थी, उसमें उसको दिक्कत आती है, उसके फाइनल एग्जाम चल रहे हैं। द मोस्ट प्रोबेबल रीजन फॉर रानीज प्रॉब्लम, तो रानी को उस कॉम्पोजिशन को लिखने में जो दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए एक सबसे आम जो है मोस्ट प्रोबेबल जो दिक्कत होती है होगी वो क्या हुई होगी। तो
तो देर इज़ अ डिसकंटिन्यूटी बिटवीन हर होम एनवायरमेंट एंड द स्कूल करिकुलम। तो वो कह रहा है कि भाई दिक्कत इसलिए हुई क्योंकि रानी का जो घर है उसका जो माहौल है और उसका जो स्कूल का जो करिकुलम है उसमें कोई समानता नहीं है, उसमें जो कंटिन्यूटी नहीं है। तो ये नहीं हो सकता क्योंकि हर बच्चे का घर का माहौल अलग होता है, स्कूल का करिकुलम अलग होता है, तो इसका आपस में क्या रिलेशन है, ठीक है? तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा है, हर पेरेंट्स आर अनेबल टू हेल्प हर इन अंडरस्टैंडिंग द स्कूल कल्चर, उसके माँ बाप उसे स्कूल का कल्चर समझा पाने में असमर्थ हैं। तो ये एक बहुत छोटी सी बात है, ये ब्रॉड आस्पेक्ट लिए हुए नहीं है, इसमें कोई भारी भरकम बात नहीं की गई है, भारी भरकम मतलब इफेक्टिव बात नहीं की गई है। ये तो एक आम बात, एक आम इंसान ने कह दी छोटी सी, ठीक है, जनरलाइज नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर 3 है, सी इज़ नॉट अ हार्ड वर्किंग गर्ल, वो हार्ड वर्किंग नहीं है इसलिए ऐसा हुआ, ये भी ज़रूरी नहीं है। हो सकता है वो हार्ड वर्किंग हो, सारे बच्चे जो हार्ड वर्किंग है, ज़रूरी नहीं कि वो अच्छे मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन भी सही नहीं हो सकता है। सटीक आंसर नहीं है, परफेक्ट आंसर ढूंढना है। हर बैकग्राउंड इज़ डिफिशियंट एंड इज़ नॉट एट पर विद स्टैंडर्ड स्कूल कल्चर, तो उसका जो बैकग्राउंड है वो डिफिशियंट हो सकता है, वो कई मायनों में हो सकता है, उसके मम्मी पापा जो है ज़्यादा पढ़े लिखे ना हो, इंग्लिश उनकी अच्छी ना हो, ठीक है, क्योंकि वो दिल्ली से रहने वाली है, ठीक है, और असम के कल्चर के बारे में ना जानती हो, तो उसका बैकग्राउंड रिच नहीं है। वो किन मायनों में रिच नहीं है, पैसे धेले के मामले में नहीं, हो सकता है उसको उन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस कम हुई हो, परिवार आपस में पढ़ाई लिखाई के बारे में चर्चा कम करता हो सकता है वो, ठीक है, लेबर क्लास से हो, तो ठीक है, ये चीज़ सटीक आंसर बता रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। हर बैकग्राउंड इज डिफिशियंट इज नॉट एट पर स्टैंडर्ड स्कूल कल्चर, स्टैंडर्ड स्कूल कल्चर का जो स्कूल का जो कल्चर है वो उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से उसका बैकग्राउंड नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, नेक्स्ट है 64, अ लैंग्वेज टीचर वांट्स हर स्टूडेंट्स टू राइट फॉर एन ऑथेंटिक ऑडियंस एंड पर्पस, मतलब ये है कि लैंग्वेज एक भाषा शिक्षक जो है वो चाहता है कि जो उसके बच्चे हैं स्टूडेंट्स हैं उसके जो स्टूडेंट्स हैं ये थोड़ा सा स्टूडेंट्स हैं वो जो है ऑथेंटिक ऑडियंसेस के लिए और एक एक सार्थक पर्पस के लिए, एक सार्थक काम के लिए राइटिंग एक्टिविटी करें, कुछ लिखें, ठीक है, जिसमें ऑडियंस जो है ऑथेंटिक हो, ठीक है, और वो समझते हो उस चीज़ को और उनके लिए ज़रूरी भी हो समझना, और एक 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 कोई किसी इंपॉर्टेंट पर्पस के लिए कोई चीज़ लिखी जाए। व्हाट वुड बी द बेस्ट राइटिंग टास्क टू अचीव दिस, तो हम चाहते हैं कि ऑथेंटिक ऑडियंस रहे और एक पर्पसफुल राइटिंग हो, ठीक है, जिसका कोई पर्पस हो, तो ऐसी ऐसे काम के लिए हम कैसी राइटिंग एक्टिविटी टास्क देंगे बच्चों को। स्टूडेंट्स राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल एक्सप्रेसिंग देयर ओपिनियन ऑन अ स्कूल रिलेटेड इशू, स्कूल से संबंधित किसी विषय पर बच्चे जो है प्रिंसिपल को अपने विचार एक्सप्रेस करते हैं एक लेटर के द्वारा, ये एक्टिविटी बेहतर रहेगी, ठीक है, हमें बेहतर लग रही है, लेकिन फिर भी 2-3-4 देख लेते हैं क्या कहते हैं। स्टूडेंट राइट आंसर टू द क्वेश्चन, ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर तो लिखते हैं, ये कौन सा एक पर्पसफुल राइटिंग हुई, क्वेश्चन के लिए आंसर तो लिखा ही जाता है, ठीक है, कोई ऐसा पर्पस नहीं है जो सिलेबस से बाहर का हो, तो वो ऊपर वाले ऑप्शन में हमें दिख रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी 3rd और 4th जरूर चेक करेंगे। स्टूडेंट राइट अ मूवी रिव्यू, एक मूवी रिव्यू तो पर्पसफुल ये काम तो ज़्यादा नहीं लग रहा, ठीक है, मूवी रिव्यू लिखना, ठीक है। स्टूडेंट राइट ऑन द टॉपिक, स्टूडेंट्स के लिए अगर खास तौर पर बात करें, स्टूडेंट राइट ऑन द टॉपिक माई स्कूल, स्टूडेंट जो है माई स्कूल के बारे में कुछ लिखें, तो बस जनरली लिख देने से स्कूल के बारे में कोई पर्पस सिद्ध नहीं हुआ, ठीक है, उसके ऑथेंटिक ऑडियंस नहीं थे, मतलब जिनके लिए ज़रूरी था वो ऐसे लिख दिया, लेकिन स्कूल के लिए प्रिंसिपल को रेफ़र करते हुए और किसी समस्या को समझाते हुए, तो वहाँ पर जो ऑथेंटिक ऑडियंस है वो प्रिंसिपल समझेगा, उसकी जिम्मेदारी है और उसको समझना चाहिए, और एक पर्पस सॉल्व हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स मैं एक्सप्लेन करता हूँ तो डिटेल में करता हूँ, वीडियो लंबी हो जाती है, लेकिन आई होप कि मैं आपको बेहतर ढंग से समझा पाता हूँ, अगर ये बात सही है तो लाइक कर दीजिए। पहला मतलब 65 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अभी कौन सा है, राइटिंग इज ए डैश डैश एंड नॉट ए डैश डैश, तो राइटिंग जो है वो राइटिंग इज ए प्रोसेस, ठीक है, राइटिंग क्या है, एक प्रोसेस है और उसमें कुछ स्टेप्स हैं, ये भी क्वेश्चन से आ सकते थे इसलिए मैंने ये भी लिख दिया है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई निम्न में से बताइए, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेप ऑफ राइटिंग प्रोसेस, तो आपको पता तो होना चाहिए पहले कि कौन कौन से राइटिंग प्रोसेस हैं, तब आप छाटोगे कौन से हैं कौन से नहीं है। तो राइटिंग प्रोसेस में प्री राइटिंग आता है, ड्राफ्टिंग आता है, रिवाइजिंग आता है और फिर एडिटिंग आता है, ये राइटिंग प्रोसेस है, ये भी पूछे जा सकते हैं। तो राइटिंग इज ए प्रोसेस एंड नॉट ए प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है कई मायनों में ये, ठीक है, यहाँ प्रोसेस आप मान के चलिए क्योंकि स्पीकिंग एंड राइटिंग इज ए प्रोडक्टफुल, ठीक है, ये भी एक तरह से प्रोडक्शन ही है, प्रोडक्ट करना, ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर राइटिंग इज ए प्रोसेस, ठीक है, ये मान के चलिए आप। अ चाइल्ड रीड्स,
पहले वो प्रोसेस है, उसके बाद प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, ये याद रखिए। अ चाइल्ड रीड्स शी बॉट थ्री एप्पल्स एज शी बॉट थ्री एप्पल्स। तो एक बच्चा जो है, एक लड़की जो है, वो शी बॉट थ्री एप्पल्स को ट्री पढ़ती है, ठीक है, एंड एक्सप्लेन्स इट एज एप्पल्स फ्रॉम ट्रीज, और वो इसको समझाने भी लगती है कि भाई ये एप्पल जो है वो ट्री से हैं, तो थ्री का ट्री बना दिया और उसको समझा भी रही है। हाउ वुड यू रेट दिस चाइल्ड्स रीडिंग स्किल्स, इस बच्चे की रीडिंग स्किल्स को आप कैसे मतलब चिन्हित करोगे? तो ये एक तरह से क्या केयरलेसनेस है कि एक लापरवाही है कि उसने उसे पढ़ना थ्री भी आता है, उसे पढ़ना ट्री भी आता है, लेकिन लापरवाही की और उसने थ्री को ट्री पढ़ा और उसको एक्सप्लेन भी करने लगी। तो ये ऑप्शन नंबर थ्री करेक्ट आंसर होगा, 2015 में आया सीटेट में। आगे देखिए, स्क्रिबलिंग इज ए स्टेज। स्क्रिबलिंग क्या होती है? स्क्रिबलिंग का मतलब होता है कि लापरवाह तरीके से लिख डालना, बहुत हरी में, जल्दी में, जल्दी जल्दी लिख देना, स्क्रिबलिंग उसे कहते हैं। तो नया वर्ड है, इसको वोकेबलरी में भी आप डाल लीजिए अपने। तो स्क्रिबलिंग इज ए स्टेज ऑफ राइटिंग केयरलेसली या हरी में, ठीक है। तो ये किस तरह की स्किल्स के अंदर आता है? राइटिंग स्किल्स के आता है, ठीक है, स्क्रिबलिंग। नेक्स्ट है, अ प्राइमरी टीचर शुड इंट्रोड्यूस रीडिंग थ्रू। एक प्राइमरी टीचर को इंट्रोड्यूस करना चाहिए रीडिंग किसके द्वारा? स्टोरीज के द्वारा। बच्चों को आप स्टोरी सुनाते हैं सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा में, प्राइमरी लेवल पर जब बच्चों को आप रीडिंग सिखाओगे, तो रीडिंग सिखाने से पहले आप उनको स्टोरी टेलिंग के द्वारा इंटरेस्ट पैदा करना सिखाओगे कि भाई हम कहानी पढ़ेंगे किताब में से, लेकिन उस कहानी को मैं पहले ओरली बता देता हूँ और फिर उसको हम बुक पर आते हैं। तो ये सबसे बेस्ट मेथड होता है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द बेस्ट एविडेंस टू डेमोन्स्ट्रेट टू पेरेंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स वॉट शुड कैन डू विद लैंग्वेज। कि बच्चे भाषा के साथ देखिए कितनी मज़ेदार और कितनी अच्छी, कितनी बेहतर चीज़ें कर सकते हैं। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द बेस्ट एविडेंस, तो इसके लिए क्या आप सिद्ध करोगे उन बच्चों के पेरेंट्स को, मतलब किस प्रकार से, किस एक्टिविटी द्वारा और किस रिजल्ट के द्वारा, बच्चों के किस काम को कर लेने से आप बच्चों को ये बेहतर तरीके से समझा पाओगे कि बच्चे जो है रीडिंग स्किल्स अगर डेवलप हो जाए, लैंग्वेज डेवलप हो जाए, तो कितने बेहतरीन काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि बच्चे जो हैं अगर लैंग्वेज पर अच्छी पकड़ कर लें, तो सबसे बड़ा अगर लैंग्वेज का कोई ज्ञाता बनेगा, तो सबसे मतलब जो लिटरेरी वर्क जान जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, पोइट बनते हैं, राइटर बनते हैं। अगर हम भाषा के बारे में बात करें तो सबसे बड़ा काम तो ये होता है। तो बच्चे अगर लैंग्वेज अच्छी तरह से सीख जाएंगे, तो वो भी पोएम लिखने लग जाएं और वो भी पैराग्राफ लिखने जाएं, तो ये सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है किसी स्टूडेंट्स के लिए। क्योंकि आखिरकार अगर लैंग्वेज पढ़ी जाती है, तो लैंग्वेज में लोग जो हाईएस्ट जो पोजीशन पाते हैं, ठीक है, वो या तो राइटर की बनती है या पोइट की बनती है। तो वो ये काम अगर बच्चे कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये प्रूफ हो गया कि बच्चे लैंग्वेज के साथ कितनी महारत हासिल कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर फोर इसका करेक्ट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाइल टीचिंग चिल्ड्रन टू रीड, बच्चों को, ठीक है, पढ़ना सिखाने के लिए, एट विच पॉइंट शुड द टीचर फोकस ऑन कॉम्प्रिहेंशन, किस समय कॉम्प्रिहेंशन स्किल पर फोकस करना चाहिए। तो कॉम्प्रिहेंशन स्किल तो हमें स्टार्टिंग से ही डेवलप करनी चाहिए। जैसे एक लाइन पढ़ी तो बच्चों को बीच में रोक के पूछ लो कि भाई आपने पढ़ा दिस इज अ डॉग, विच इज अ डॉग, कौन सा कुत्ता है, ये क्या है, तो ठीक है, तो स्टार्टिंग से ही कॉम्प्रिहेंशन स्किल पर फोकस करना चाहिए। तो इसमें है राइट फ्रॉम द बिगनिंग इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंशन स्किल बिगनिंग से ही उनकी प्रैक्टिस करानी स्टार्ट कर देंगे। 2015 तक के क्वेश्चन है, 16, 17 और 18 के नेक्स्ट जो पार्ट आने वाले हैं उनमें आपको मिलेंगे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई है। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट इसके पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। सभी पार्ट्स देख लिए और इंग्लिश पेडागोजी की प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस चेक करिए, आपके बहुत काम आएंगी और आपको मार्क्स अच्छे स्कोर करने में ये बहुत हेल्पफुल वीडियोस रहेंगी। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।